आज हम बनाएंगे सूजी टोस्ट, जो एक बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। सारी घर में रखी हुई सब्जियों का उपयोग भी हो जाता है और दो बूंद तेल में ये नाश्ता तैयार हो जाता है। इसके लिए मैंने एक कटोरी सूजी ली है। जितनी आप सूजी ये बारीक वाली है, जितनी सूजी लेंगे उतना ही भाग आप दही ले लें। सब्जियाँ आप अपनी मनपसंद यूज़ करें। मैंने गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक इन सबको इकट्ठा अच्छे से बारीक बारीक चॉप करके रख दिया। धनिया पत्ती है, मसाले स्वादानुसार, नमक, सौंठ पाउडर, चाट मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और हींग। ब्रेड स्लाइसेस हैं जिनके ऊपर हम इनके कोटिंग करके इसको बनाएंगे। अब एक एक करके बाउल में सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें सारी मनपसंद सब्जियां, मनपसंद मसाले, वही दही की कटोरी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। पानी बिल्कुल देख के थोड़ा सा ही डालें, क्योंकि हमें इसका गाढ़ा पेस्ट बनाना है। अब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। इन सारी चीज़ों को ज़रा 2 मिनट के लिए ढक के रख दें, जिससे कि सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। बोल ने बहुत अच्छे से रेस्ट कर लिया है। सारे मसाले, सब्जियां सब बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। ये ऐसा थिक पेस्ट है बिल्कुल। अब इसको हम एक एक ब्रेड स्लाइस के ऊपर लगाएंगे, और मैंने तवे को गर्म करने के लिए रख दिया। तवे को ग्रीस कर लें, और ये जो हमने लगाया है इसके ऊपर, इसको नीचे रखना और प्लेन वाले भाग को ऊपर रखना। इसकी दूसरी साइड पर भी थोड़ा सा घी लगा दें। देखें ये स्लाइस बिल्कुल भी नहीं चिपका नीचे से। अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। हमारा क्रिस्पी सूजी टोस्ट बनकर तैयार है। अब मैं इसको सर्व करूंगी।